तो ये हमारे जो दूल्हा भाई हैं। भाई कैसे हो? और बेटा वो साथ नीत भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं इस टाइम छत के ऊपर खड़ा हूँ और सुबह के ना 11 बज रहे हैं और मैं अभी उठ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट उठा हूँ क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट सोया था। ऐसे जो ना दिल कर था मूवी वगैरह देखने को ना, तो फ़ोन पर लगा हुआ था तो काफ़ी लेट हो गया था। इसकी वजह से सुबह सुबह जो ना आज आँख नहीं खुली, काफ़ी लेट हो गया हूँ। अभी मुझे कॉल आ रही थी नवीद भाई की, आपको पता होगा मेरा दोस्त है, उसका भी यूट्यूब चैनल है। तो वो कह रहा था कि बिलाल भाई मैं एक शादी पे जा रहा हूँ तो आपको भी साथ लेके जाना है। तो मैंने बोला यार आप लोग हो आओ, मैं अभी फ्रेश नहीं हूँ। तो कह रहा था नहीं जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, तो मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ तो फिर जाना है। तो अभी कह रहा था कि इधर साथ ही जो ना टाउन है हमारे जफरवाल, तो वहाँ शादी है तो वहाँ चलते हैं, तो चलो साथ में इंजॉय हो जाएगा। तो ऐसे मैं बोर हो रहा हूँ तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं अभी फ्री हूँ तो चलते हैं, तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। अभी मैं फ्रेश हो के तो फिर नवीद भाई का वेट करना है, वो आते हैं तो फिर निकलते हैं। अभी जी आपका भाई हो गया रेडी, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शूज़, तो जैकेट पीछे वो भी ब्लैक पड़ी हुई है, ग्लासेस रेड ही हैं क्योंकि रेड माय फेवरेट। तो जैकेट मैंने इसलिए निकाल लिया साथ क्योंकि अभी जो ना सर्दियाँ हो गई हुई हैं, वैसे भी जो ना 12-1 बजे के बाद सूरज ढल जाता है और मौसम जो ना वो सर्दी वाला होना स्टार्ट हो जाता है, तो जब तक हम वापसी आएंगे तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जैकेट भी साथ ले लिया है। तो अभी जनाब निकलते हैं, नवीद भाई को मैंने कॉल की है, वो बस आ गए हैं, तो निकलते हैं रोड की तरफ और फिर चलते हैं जफरवाल। अभी आपका भाई हो गया है फुल रेडी, जैकेट पहन ली है, ग्लासेस भी ओके हो गए हैं। तो नवीद भाई की कॉल आ गई है, कह रहे हैं कि रोड पर जल्दी जल्दी पहुँचो, तो चलिए निकलते हैं। अभी आप जैसा कि मैं साथ दे सकते हैं, लड़का 10-4 होके खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल जी? दुआएं आपकी नीत भाई, ठीक ठाक हो गए हो रेडी? हाँ जी बिल्कुल रेडी हो गया हूं। मैंने तो साथ बैग भी पकड़ लिया। ये किसके लिए बैग? ये यार फूफो के लिए जो ना। अच्छा वहाँ कोई रिलेटिव उसको देना है? उसको देना है। अच्छा अच्छा, मेरा पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, जब आपकी कॉल आई है ना मैं सोया हुआ था, अभी उठा हूँ तो फिर मैंने बोला घर वालों को कि मैं जा रहा हूँ, कह रहे वो जा रहा तो आप भी जाओ, आपने क्यों रहना इधर? पहले मेरा भी कोई प्रोग्राम था तो बड़ा भाई कह रहा था कि नवीद यार तुम इधर फ्री हो तो चलो। मैंने फिर अचानक ही जो है ना जब मैं तैयार होने नहीं लगा ना आपको मैंने कॉल किया, मैं कहा अगर मैं जा रहा तो फिर आप भी चलो यार मेरे साथ ही। मतलब आज फ्री लंगा चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं यार, अभी निकलना हमने जफरवाल जाना, आपको बताया था जफरवाल शादी है तो जफरवाल की रवानगी हमारी, तो चलिए बने रहे ब्लॉग के ऊपर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, इस टाइम बारात बिल्कुल जो ना रेडी हो चुकी है, तो पीछे जो ना वो दूल्हा साहब आ रहे हैं, तो काफ़ी लेट हो गया तकरीबन, रास्ता काफ़ी ख़राब था इसलिए काफ़ी लेट पहुँचे हैं। तो अभी आपको जो ना वो दिखाते हैं थोड़ा अंदर का सीन, वो आपने देखा। ये तो
तो खाना वगैरह जो ना वो हमने खा लिया, अभी चाय का टाइम है, यानी कि चाय आ गई है, सभी लोग जो ना बैठ के चाय पी रहे हैं। अभी गर्मी बहुत है यार। ये है जी शादी मुबारक, यानी कि इसके अंदर कुछ मेवे होते हैं जो कि दिए जाते हैं। और ये सभी को दिए जा रहे हैं, ये शादी मुबारक वाले। अरे चाय कीजिए। अच्छा जी भाई कहते हैं इसमें मूंगफली के छिलके हैं इसके अंदर जो ना। ये है जी इसके अंदर बादाम, छुहारा, उसके बाद टॉफियां और कुछ और भी चीजें हैं। ये जनाब दिए जाते हैं गांव में जब शादी होती है ना तब देते हैं। वाओ ये नई पैकिंग में आ गया, पहले दूसरी तरह होते थे, नई पैकिंग है इसकी। तो ये हमारे जो दूल्हा भाई हैं। भाई कैसे हो? और बेटा वो साथ नीत भाई। तो खाना वगैरह सभी ने खा लिया, तो सभी ने मुबारकबाद दी है भाई को। और भाई ना सफर किस तरह रहा? सफर हम जा रहा ठीक है, हम जा रहा अभी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि शाम होने वाली है, दिन छोटी होती है। पहुँचे हैं काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतजाम था, काफ़ी मज़ा आया भाई से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये दिन शादी हो बंदे की तो फीलिंग बस किसी तरह की होती है, बोला नहीं जा रहा। रणवीर भाई को कह रहा था कि यार रणवीर भाई चुप चुप कह रहे हैं यार, आप जब आप लोग तब आपको चलेगा क्यों चुप है? हाँ जी चलिए ठीक है ठीक है। सही बनी सही है। तो अभी जनाब शादी से फारिग होके वापिस आ चुके हैं और अभी रात के तकरीबन जो ना वो 9 बज रहे हैं। काफ़ी लेट जो ना आजकल वेडिंग ख़त्म होती है क्योंकि डे जो ना वो बहुत छोटे हो गया, टाइम का पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। और एक तो हम पहुंचे भी काफ़ी लेट थे वहाँ, तो उसके बाद जो ना वो खाना वगैरह खाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और बड़ा अच्छा जो ना वो आज का दिन रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो ना शुक्र मेला किया था, साथ कुछ दोस्त थे और साथ जो ना वो थोड़ी आउटिंग भी हो गई है। तो बस आज की जो वीडियो थी वो यही थी कि शादी की थोड़ी जो ना आपके साथ वीडियो शेयर की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।